इतना अच्छा और इतना ज्यादा इस फिल्म को सम्मान मिलेगा। हाँ, इतना पता था कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी और लोग एंटरटेन करेंगे। जब हम काम कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, तो उस समय भी मैंने कई बार विमान को बोला था कि विमान ये काम तुम्हारा किया हुआ वो हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, लोगों को पता चलेगा और लोग याद रखेंगे तुम्हारे काम को। पर ये सच में मेरे लिए बहुत एकदम, मतलब मैं अब बता नहीं सकता हूँ, मैं बहुत हैरान हूँ, क्योंकि IMDb रेटिंग जो है वो इसका 9.4 है इस फिल्म का, और अभी ये मोस्ट पॉपुलर फिल्मों में रैंकिंग में वो चली गई है, मतलब लिस्टिंग में चली गई है। तो इसके अलावा पब्लिकली जो मेरे बहुत दूर दराज के भी लोग हैं या जिन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने मतलब बहुत अच्छी तारीफ की है, और रिव्यू भी इसका बहुत अच्छा है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। मतलब कहीं कहीं 4 रेटिंग है 4 स्टार रेटिंग है और रिव्यू का, और कहीं 3.3 1/2 है। तो ये है, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वरद प्राची, एक बार मैं आपका करियर जर्नी भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि राइटर्स और डायरेक्टर्स जो होते हैं, अगर वो बहुत समय तक कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म नहीं बनाते हैं या फिर बहुत मल्टी स्टारर बड़े स्टार कास्ट के साथ काम नहीं करते, तो बहुत कम लोग जान पाते हैं कि एक पर्दे के पीछे ऐसे भी डायरेक्टर हैं जो बहुत खूबसूरत कहानियां लिख रहे हैं या बना रहे हैं। आपका करियर कहाँ से कैसे शुरू हुआ, किन किन फिल्मों में आपने राइटिंग की, वो एक बार आप अपनी जर्नी बता दें। जी, मेरी तो शुरुआत ड्रामा स्कूल से शुरू हुई, और जर्नी है वो आकर के मतलब सिनेमा इंडस्ट्री में असिस्टेंट से शुरू हो गई। मैं भीमसेन जी के साथ मैं काम करता था, मणिपाल जी के साथ काम करता था, तिग्मांशु कुछ के साथ मैंने काम किया, और उसके बाद मैं उन्हीं लोगों के साथ मैं स्क्रीन प्ले लिखना सीखा, और ये बड़े गुरु हैं। उसके बाद केतन मेहता सर के साथ मैंने बहुत लंबा काम किया, तो उनके साथ जो बची खुची कसर थी वो मैं उनको लेजेंड मानता हूँ इंडस्ट्री का, और मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेड हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे टीचर हैं। और एक और है ऐश्वर्या राय बच्चन जी के सेक्रेटरी हैं हरी सिंह जी, वो उन्होंने भी मुझे बहुत स्क्रीन प्ले के लिए गाइड किया था। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद फिर मैंने मांझी द माउंटेन मैन जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे थे उसमें, और केतन सर ने उसको डायरेक्ट किया था, मैं उस फिल्म का एसोसिएट डायरेक्टर था। उसके बाद मैंने दशहरा एक फिल्म लिखी थी, उसके बाद एक गुलमोहर करके फिल्म है जो कि बन के तैयार हो गई है, रिलीज होगी शायद अक्टूबर तक, और ये आपके सामने ये कबाड़ है। इसके अलावा बहुत सारी और भी फिल्में लिखी है, पता नहीं कितनी क्या वो छोटी बड़ी फिल्में, तो ऐसे ये जर्नी है। और बेसिकली छोटे शहर छोटे गांव से होने की वजह से हर बार एक कोशिश रहती है संजय जी की हम अनएक्सपोज कहानियों की तरफ जाएं, एक ऐसी चीजें लोग दर्शकों के सामने दें, एक ऐसी दुनिया क्रिएट करें जिस दुनिया को लोगों ने जाना नहीं है या देखा नहीं है, या फिर जानते हैं लेकिन देखा नहीं है ऐसा। या फिर मेरी एक सोच रहती है कि मैं 2 घंटे के लिए अपने दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाऊं जहां से वो निकले तो बोले यार कि कहीं खो गया था शायद। एक तो यही कोशिश है, इसी कोशिश की एक कड़ी कवाड़ द क्वाइन भी है जो आपके सामने है, और इससे पहले मांझी द माउंटेन मैन भी इसी कड़ी की एक बहुत जबरदस्त फिल्म है।